हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको ब्लाउज बनाना बता रही हूँ। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स डिमांड कर रहे हैं कि ब्लाउज बनाना बताएं, तो देखिए आज मैं आपको सिंपल ब्लाउज बनाना बता रही हूँ। इसका मैं आपको मेजरमेंट बता रही हूँ कि कैसे आपको इसको बनाना है और इसका मेजरमेंट क्या है। अगर हम साइज की बात करें तो ये 34 साइज है, 34 साइज का ये ब्लाउज है। और इसको बनाने के लिए मैंने 10 नंबर की सिलाई और नॉर्मल वूल यूज की है। यहाँ पर ये 92 फंदे डाले गए हैं। 92 फंदे डालकर ये देखिए बॉर्डर बनाया गया है। ये बॉर्डर कैसे बनाया जाएगा इसका वीडियो मेरे चैनल पर है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये जो बॉर्डर है ये बहुत अच्छा रहता है ब्लाउज और हाफ स्वेटर के लिए, जो लेडीज का हाफ स्वेटर होता है उसके लिए और ब्लाउज के लिए ये बॉर्डर बहुत अच्छा रहता है। तो इसका लिंक तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसके बाद बॉर्डर के बाद यहाँ पर मैंने 5 फंदे बढ़ाए हैं, तो ये हमारे फंदे 97 हो गए हैं। अब देखिए 97 फंदे में से 13 फंदे इस साइड और 13 फंदे इस साइड, ये उल्टे बुने गए हैं। 13-13 फंदे दोनों साइड ये उल्टे बुने गए हैं और एक एक फंदे का ये वाला डिजाइन है, ये जो चोटी वाला ये डिजाइन ये एक एक फंदे पर डाला जाएगा। ये 5 जगह डाला गया है तो 5 फंदे हमारे ये हो गए। और ये वाला जो डिजाइन है जो दोनों साइड यहाँ पर और यहाँ पर डाला गया है, ये डिजाइन 19-19 फंदे का है, 19 फंदे का, 15 फंदे का ये डिजाइन है और 2 फंदे इस साइड और 2 फंदे इस साइड, ये उल्टे बुने गए हैं। तो ये हमारे टोटल 19 फंदे हो गए। ये 17-17 फंदे उल्टे बुने गए हैं यहाँ पर। अब देखिए आगे कैसे बनाना है। ये जो चोटी वाला डिजाइन है ये तो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। इसको बनाने के लिए ये मैंने 7 फंदे डाले हुए हैं, एक फंदे पर डिजाइन डाला जाएगा और 3-3 फंदे दोनों साइड उल्टे बुने जाएंगे। तो देखिए पहले हम ये 3 फंदे उल्टे बुन लेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे। अब इस फंदे पर हमें डिजाइन डालना है, तो देखिए इसको हम 2 बार धागा लपेटकर, देखिए ये एक बार लपेटा और 2 बार धागा लपेटा और इसको हमने सीधा बुन लिया। धागे को आगे लाए, ये 3 फंदे उल्टे बुन लेंगे। अब हमारी उल्टी सिलाई, उल्टी सिलाई में हम पहले 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, अब इस फंदे को 2 बार धागा लपेट कर उल्टा बुन लेंगे जिस पर हम डिजाइन डाल रहे हैं। ये हमने बुन लिया और ये जो हमारा लपेटा हुआ धागा था वो हमारा ऐसे खुल जाएगा और ये 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। अब अगली सीधी सिलाई, पहले हम 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागे को पीछे ले जाएंगे। अब फिर से हम ये वाला फंदा 2 बार धागा लपेट कर सीधा बुन लेंगे। इस फंदे को हमें सीधी सिलाई पर सीधा बुनना है और उल्टी सिलाई पर उल्टा बुनना है 2 बार धागा लपेट कर, और बाकी के ये जो इधर 3 फंदे हैं और जो इधर 3 फंदे हैं ये उल्टे बुने जाएंगे। धागे को आगे लाएंगे, अब 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। ये हमारी उल्टी सिलाई, पहले 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, अब फिर से हम इस फंदे को 2 बार धागा लपेट कर उल्टा बुन लेंगे, अब ये वाले 3 फंदे भी उल्टे बुनेंगे। अब ये हमारी
सीधी सिलाई। पहले हम 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। धागे को पीछे ले जाएंगे। अब हमें ये फंदा खोलना है। देखिए, इस फंदे को सिलाई पर से उतारेंगे और 1, 2, 3, 4, 4 बार हमने इसको खोल दिया, ऐसी सिलाई पर लिया। और ये जो खोले हुए फंदे हैं, इनको भी हम इस तरह से सिलाई पर लेंगे। इस फंदे को इनके ऊपर से निकाल देना है। अब इन फंदों को 2 बार धागा लपेटकर सीधा बुन लेंगे। धागा आगे लाएंगे, ये 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। अब अगली सिलाई, शुरू के 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर से इस फंदे को 2 बार धागा लपेटकर उल्टा बुनेंगे। अब ये 3ों फंदे उल्टे बुनेंगे। अब अगली सीधी सिलाई, पहले 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, इस फंदे को 2 बार धागा लपेटकर सीधा बुन लेंगे। धागा आगे लाए, 3 फंदे उल्टे बुने। उल्टी सिलाई, पहले 3 फंदे उल्टे बुने, इस फंदे को 2 बार धागा लपेटकर उल्टा बुना, फिर 3 फंदे उल्टे बुने। सीधी सिलाई में पहले हम 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे। अब फिर से हमें इस फंदे को खोलना है। देखिए, 1, 2, 3, 4। अब ये जो 3 फंदे थे, 4 फंदे का एक फंदा जो हमने इस तरह से बनाया, ये मोटा वाला, इसको हम ऐसे लेंगे। और ये जो 4 धागे हैं अभी जो हमने खोले हैं, 3, देखिए 4, इन 4ों धागों को हम ऐसे लेंगे और इसके ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। फिर से हम इसको 2 बार धागा लपेट कर सीधा बुनेंगे। धागा आगे लाएंगे, 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमारी चोटी आने लगी है। ऐसे ही हमें इसको आगे बनाते जाना है, तो ये हमारी आगे बनती जाएगी। अब देखिए, यहां से लेकर के और मुड्ढे घटाने तक, यहां तक ये हमारी जो लंबाई है वो 8 इंच है करीब। इसके बाद हम यहां पर 4 3 2 1 से मुड्ढा घटाएंगे और उसके बाद ये हम यहां तक बुनेंगे। ये जो लंबाई है वो करीब 6 इंच है। ये हमारी 6 इंच है और ये करीब 8 इंच है। आप इसकी लंबाई कम या ज्यादा भी कर सकती हैं। अगर आपको और छोटा चाहिए है तो आप इसकी ये लेंथ कम कर सकती हैं। अगर आपको लंबा चाहिए थोड़ा सा, तो आप इसकी लेंथ को ये बढ़ा सकते हैं। अब देखिए, गले पर यहां ये 33 फंदे घटाए गए हैं। एक फंदा ये जो बुनाई वाला है और 16 फंदे इस साइड से, 16 फंदे इस साइड से। ये हमने 33 फंदे यहाँ पर घटाए हैं। यहाँ शोल्डर पर ये 21 21 फंदे हैं, 21 फंदे इस साइड और 21 फंदे इस साइड। दोनों साइड यहाँ पर मुड्ढे पर 10 10 फंदे घटाए गए हैं। 4 3 2 1 से इस साइड और 4 3 2 1 से इस साइड मुड्ढा घटाया गया है, तो ये हमारे 20 फंदे यहाँ घट गए, 10 इधर और 10 इस साइड। 33 फंदे गले में घटे और 21 21 फंदे हमारे शोल्डर पर हैं। अब देखिए, पीछे का पार्ट प्लेन ही बुना है, यानी कि सीधी सिलाई सीधी और उल्टी सिलाई उल्टी।
बॉर्डर के बाद पूरा प्लेन बुना जाएगा। अब देखिए गले में ये हमारे 80 फंदे हैं आगे के, आगे ये जो फंदे सिलाई पर भरे जाएंगे वो 80 फंदे हैं और ये 33 फंदे हैं पीछे के। 80 + 33 फंदे ये हमारे टोटल फंदे होंगे गले के, आगे पीछे दोनों साइड मिलाकर। अब देखिए आस्तीन, आस्तीन ये 3/4 स्लीव्स है, आप जितनी बड़ी स्लीव्स बनाना चाहें उतनी बड़ी बना सकते हैं। बॉर्डर में मैंने 51 फंदे लिए हैं और हर छठवीं सिलाई पर दोनों साइड से एक एक फंदा बढ़ाते हुए इसको बनाया है। यहाँ 4 3 2 1 से आस्तीन घटाई गई है, फिर दो दो फंदे करके घटाया गया है, फिर इसको पूरा घटाकर बंद कर दिया है। ये मैंने आस्तीन पर इस तरह से डिजाइन डाला है, इधर इतने थोड़े फंदे इधर उल्टे हैं, कुछ फंदे इधर हैं, शायद 13 13 फंदे हैं और एक फंदा ये बीच में इस तरह से बनाया है डिजाइन का। तो अब ये तो देखिए हो गया है सिंपल ब्लाउज। हमारे बहुत से व्यूअर्स डिमांड करते हैं कि पूरा बुनकर बताएं, तो देखिए पूरा बुनकर बताना पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको बता दूंगी कि उसको कैसे बनाना है। आप चाहें तो पूरा प्लेन भी बुन सकती हैं, आप चाहें तो ये डिजाइन भी डाल सकती हैं, आप चाहें तो कोई दूसरा डिजाइन भी डाल सकती हैं, जैसे भी आप बनाना चाहें आप वैसे बना सकती हैं। ये गले का जो बॉर्डर है वो मैंने 3 फंदे उल्टे 1 फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे 1 फंदा सीधा इस तरह से बनाया है। इसको भी आप अपनी मर्जी से जैसा चाहें वैसा बना सकती हैं, 1 उल्टा 1 सीधा बना सकती हैं, 2 फंदे उल्टे 2 फंदे सीधे का बना सकती हैं, या फिर आप इस तरह से भी बना सकती हैं जैसा ये मैंने बनाया हुआ है। और बाकी मुड्डा कैसे घटाना है, शोल्डर कैसे जोड़ना है, ये सब वैसे ही करना है जैसे कि किया जाता है नॉर्मल कार्डिगन में, वैसे ही हमें इसमें भी करना है। अब देखिए ये तो हो गया सिंपल ब्लाउज। बहुत जल्दी ही मैं आपको पफ वाला ब्लाउज बनाना भी बताऊंगी और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।